जो तस्वीरें हम देख रहे हैं लगातार वो देखने लायक तो नहीं है, क्योंकि पानी में डूबा हुआ आधा दिल्ली, मिंटो ब्रिज की हम तस्वीरें देखें तो वहां वही हाल है। कई लोग जो हैं वो ऑफिस नहीं गए, बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो गई है। और अब हम रुक करना चाहेंगे मनीष की तरफ। मनीष, आप कहां पे मौजूद है और वहां की क्या तस्वीरें हैं, लोगों को कितनी परेशानी है जिसका सामना करना पड़ रहा है बारिश की वजह से? देखिए, मैं इस वक्त आईटीओ में ठीक यमुना के ऊपर खड़ा हूं और अक्षरधाम से यहां तक पहुंचने में मुझे कम से कम 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा है। अभी हम बातें सुन रहे थे, बड़े बड़े दावे बताए जा रहे थे, लेकिन आपको बता दूं यहां पर एक नोटिस करने वाली बात कि 9 बजे के बाद से अभी तक कोई बारिश नहीं हुई है। 12 बज चुके हैं लेकिन 3 घंटे में भी जो इंतजाम है वो पूरे नहीं पड़े हैं, जबकि ये प्री मानसून की बारिश है। हालात कैसे हैं, तस्वीरें आप देख लीजिए, मेरे पूछे कितना लंबा किलोमीटर जाम है ये बताना बहुत मुश्किल है। और मैं खुद मुश्किल से अभी यहाँ से 1.5 या 2 किलोमीटर आगे बढ़ा हूँ और जो वक्त लगा है वो लगभग 1.5 घंटे का लगा है। तमाम लोग इसी तरह से फंसे हुए हैं। मुसीबत क्या है कि आईटीओ पर पानी भरा हुआ है जिसकी वजह से ट्रैफिक स्लो है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि सुबह 9 बजे के बाद से अभी तक बारिश नहीं हुई है, मतलब इंतजाम ऐसे थे जो थोड़ी सी बारिश के बाद ना सिर्फ ठप हुए बल्कि पानी को तुरंत निकाला जाए इसकी भी कोई खास व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ रही है। हम लोगों से बात करने की बात कोशिश करते हैं क्योंकि तमाम लोग यहाँ पर आप देखिए जो ऑटो में है, कैब में है, वो ऐसे भी लोग होंगे जो शायद ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं, उन्हें कहीं और जाना हो। कब से आप लोग ट्रैफिक? अभी तक तो 1.5 घंटा हो गया लगभग। 1.5 घंटा हो? हाँ, अभी तक तो 1.5 घंटा हो गया भाई साहब। कहाँ जाना है? हम लोगों तो जाना है पालम। पालम? हाँ जी। पालम कब तक पहुँचोगे आज आप? कहाँ चले थे आप? आनंद विहार से। आनंद विहार से आईटीओ तक पहुँचने में 1.5 घंटा लगा? हाँ जी, हाँ जी। देखिए यही हालात जो हम बता रहे हैं लगातार कि लोग घंटों घंटों से जाम में है, इसी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, गाड़ियों के अंदर पैक हो गए हैं और कैसे यहाँ से निकलेंगे फिलहाल वो इंतजाम इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। हम और लोगों से बात करने की कोशिश करें। सर, कब से आप जाम में? कब से हैं? करीब 1.5 घंटा से ज्यादा हो गया। 1.5 घंटा से ज्यादा हो गया। कहाँ से चले थे? मैं चला था नोएडा से। नोएडा से जी। अब कहाँ जाना है? टाइम पे पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे? टाइम अपने आप पहले ही निकल चुका है जहाँ जाना था? नहीं, जहाँ जाना था वहाँ टाइम निकल चुका है। निकल चुका जी। अब काम होगा नहीं होगा? अब मुश्किल लग रहा है। मुश्किल लग रहा है। जिस प्लानिंग के साथ घर से आज निकले थे, जो काम लेकर निकले थे, फिलहाल वो काम फंसता हुआ इन्हें दिखाई पड़ रहा है। ऐसे ही लोग अपने ऑफिस, कई लोगों को जाना होगा वो ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे हैं। और इसी तरह से आप देखिए, हमें बहुत सारे लोग मिले रास्ते में, कई एडवोकेट्स मिले जिनकी हियरिंग थी सुप्रीम कोर्ट में। वो कहते हैं कि भाई 2 घंटे से जाम में हूँ, गाड़ी में बैठे बैठे 2 हियरिंग छूट चुकी है, 3री होनी है, उस पर भी शायद पहुंच नहीं पाएंगे। मैम, आप कितनी देर से आप लोग ट्रैफिक में? बहुत देर हो गई, बहुत ज्यादा देर हो गई। हमें सिर्फ 4.5 किलोमीटर जाना है एंड इट्स मोर देन 30 आवर्स स्टिल। 4.5 किलोमीटर जाना है और कितना दिखा रहा है? 33 मिनट्स। 33 मिनट्स दिखा रहा है और आप ऑलरेडी हैं कितने घंटे से? आई थिंक 1 घंटा हो गया हमें, गिव ऑर टेक। जी, चलिए।